अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है जी। अच्छा जी, धूप आज निकल आई है और कैनल पे जा रहे हैं। आज मेरे साथ हसन भी जा रहा है। उसने कहा मैं भी इतने दिनों से नहीं गया तो मुझे भी लेकर जाएं। उसको भी पता भी नहीं है कि काफ़ी डॉग्स वहाँ से जा चुके हैं। वहाँ जा के देखेंगे, दिखाएँगे इनको कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या नहीं। अभी हमने यहाँ से बकरियों के लिए कुछ सामान लेना है और उसके बाद हमने फिर सीधा उधर डेरे के लिए निकल जाना है। ये जी सामने दुकान आ गई है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, बकरियों का सामान जो लेना था वो ले लिया। अब हम कैनल की तरफ जा रहे हैं और कैनल पर पहुँच के आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जी दोस्तों, कैनल पर आ गए हैं। आते ही हसन साहब गिर गए हैं। कहाँ लगी है? नाक पे। तो क्यों भाग रहे हो बेवकूफों की तरह? आते ही गिर गए हैं जी, मुर्गियों के पीछे पागल भागने के चक्कर में। ये कौन सी मुर्गी है? ये अच्छा अच्छा, मैंने क्या शायद वो वाली मुर्गी है। ये जी मुर्गियों पे मुर्गियाँ आई जा रही हैं जी। मुर्गा जो है ना हमारा, ब्रीड पे ब्रीड कर ही जा रहा है। और ये हसन साहब ने उठा लिया है। ये जी डीजल साहब, डीजल गुड बॉय। ये साथ में इसके शेल्बी। ये जी दोस्तों, अभी तक जगह जो है ना वो गीली है, पूरे तरीके से ड्राई नहीं हुई। आज सही धूप निकलेगी तो सेट होगा सिस्टम, उसके बाद ही है ना ये सारे दोबारा से बाहर निकाल सकेंगे। बाकी आपको भी हम दोनों पहले पपीज दिखा देते हैं। ये जो एक डोरी पपी है ये भी जाने वाला है, बस दो एक दिनों का मेहमान है। ये चला जाएगा हमारे पास से। और ये वाली लीजा हमारे पास रह जाएगी। और रगड़ा तो बहुत लग गया था लेकिन दोबारा माशाल्लाह से सेहत फिट हो चुकी है। ये इधर शेरू है, शेरू और ये दोनों इकट्ठे जाएंगे जी। बाकी आपको सबसे पहले वो दिखाएँ जो हमारा असल मिशन है बड़ा करना। ये देखें जी, ये चेक करें जी, टांगे बिल्कुल जैस हो चुकी हैं उसकी। और अभी ये देखें सेंस भी ज़्यादा करने लग गया। गुड बॉय, गुड बॉय। इसके अंदर मलंगी है, मलंगी। ये देखें जी आप, वाह। अब इसके ऊपर हम फुल मेहनत शुरू करेंगे और इसको इंशाल्लाह कल इनको वैक्सीन भी करेंगे। इसलिए आज सारे जानवर जो थे वो भूखे थे क्योंकि कल बारिश की वजह से चारा नहीं आ सका सबर। अभी मैं इनके लिए मटेरियल लेकर आया हूँ ताकि ये आराम से सारे जो है ना वो खा सकें। इसको भी नीचे उतार, देख कर क्या रहा है ये। बस कर बस कर, उधर 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 उधर, चलो बाहर आने के चक्रों में लगे हुए। ये जी दोस्तों, बाहर तो कीचड़ है अच्छा खासा। अभी हम एक दो दिन और नहीं फिरा सकते लेकिन कैनल पे ही खुला छोड़ते हैं आज एक एक करके सबको और देखते हैं क्या करते हैं जी। खोल दो जी। ये जी सबसे पहले हमने खोल दिया डीजल। डीजल गुड बॉय, इधर आओ। ये देखें जी आप, इसकी शैतानियाँ चेक करें। ये सारे उठा दे यार यहाँ से, मुआयना करने दे जरा डीजल को, पूरे कैनल का हर चीज हटा दे, चेक कर रहा है। बाल्टी भी हटा के ऊपर रख दे कहीं। आ जाओ, शाबाश। अगर थोड़ी देर बाहर निकालते हैं ना ताकि ये घूम फिर ले अच्छे तरीके से,
फिर हम इसको अंदर करके दूसरे को निकालेंगे बाहर। इन दोनों को भी तकलीफ शुरू होगी, ये बाहर आ गया ना तो मैं दोनों को बहुत कुटेगा जो तुम्हें शोर मचा रही हो यहाँ पे। हिजल डीजल साहब जो है ना वो मस्तियां कर रहे हैं, पानी पीना है शायद इसने। डीजल साहब जी फुल इग्नोर करते हुए चीज़ों को चेक करने लगे हुए हैं कि क्या क्या मुआयना कर लूँ मैं, क्योंकि हमने कैनल पे ज़्यादा खोला नहीं है इसको। इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। तो भागने लगा हुआ, वो भी उठा ले, वो भी हटा ले वहाँ से। देख रहा है जी क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हालात वाकियात हैं कैनल के। बाकी मौसम कभी जो है वो धूप वाला बन रहा है और कभी जो है ना वो छांव हो जाती है। ठीक है जी, ये जी डीजल के छत पे बैठा है, और क्योंकि डीजल साहब भी तंग करने में जब आते हैं तो फिर शरीर तंग करते हैं। और ये चेतन साहब ने जी अंदर शोर मचा दिया है, उनको पता लग गया बाहर कोई खुला हुआ कुत्ता। डीजल और डॉग फूड का डब्बा देख रहा है जी। नासिर भाई आ गए और अब जर्मन शेपर्डों को खोलने लगे, क्योंकि यही खोलते हैं जर्मन दोनों को। और अभी एक हमारी और फीमेल भी क्रॉस हो गई थी पेशावर में, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। अभी हमने ये ना दोनों खोल दिए इसीलिए कि ज़रा अच्छे तरीके से फिर लें। और ऊपर चली जाती है ये देखिए शुगल चल रहा है फुल। ये एक फीमेल, ये जी दूसरी, ये भी अब पूरे कैनल पे मैना करेंगे। और इनको देख के डीजल साहब क्या कर रहे हैं, पानी डाल दे यार इन्हें। डीजल साहब क्या कर रहे हैं वो भी आप देख रहे तो मौका नहीं मिल रहा इनका इलाज करने का। बस 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 डीजल दोनों जी ऊपर चली जाती हैं आराम से, और ऊपर से गिरती गुरती भी नहीं है, फुल मस्ती माहौल जो है इनका चल रहा है। और वहाँ देखे जी आप हमारी हमारी वो फितकी भी देखे आप, वो हमारी तो इधर गुस्सा आ गया है, ये दोनों इधर फिर रही हैं। ओए गिर ही ना जाई। ये जी बेला वहां से गुस्सा दिखा रही है, और ये दोनों जो है वो यहाँ है। ये सही है, एक दूसरे की तरफ जा नहीं सकती। बाकी जी माहौल आपके सामने हर तरफ आउट क्लास माहौल हो चुका है, ज़बरदस्त वाला। ये जी डीजल को नीचे हमने उस पेट में कर दिया है, जिससे वो सिर्फ और सिर्फ यही देख रहा है। ये बाहर देखिए, बाहर तो नहीं आ जाएगा ना। ये उस्ताद जी बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ भी गया। वो बेला को इनको देख के गुस्सा आ गया, और उसने किसी का जूता जो है ना वो पकड़ के उसको फाड़ना शुरू कर दिया। ये देखें जैसे इसके करीब आती हैं, ये उसको पकड़ के इसको गुस्सा दिखाती है। ये देखें
वो जा रही है जी नीचे दोनों। ये जी दोनों पपीज को फूड डालने लगे। चल इसी तरफ रखी, इसी तरफ। अच्छा ताकि कालीन तू सीधा कर सके, कालीन सही कर ले उतनी देर में। ये जी आप इन दोनों की स्पीडें चेक कर ले, वह निकाल ले जो कचरा मचरा लग रहा हो ना। बस सही है ये जी आप लोगों के सामने। अभी अभी मिनट के अंदर अंदर चटमट कर देंगे। चल बंद कर दे दरवाज़ा, जैसे ही ख़त्म होगा ना फिर निकाल लेंगे जी। वो दूसरे को बाहर निकाल। ये देखो ख़त्म ने। ये जी दोस्तों इस पपी को बाहर निकाल लिया, अब इसको खाना खिलाने लगे हैं। साइज़ इसका हम दोनों फीमेलों से अच्छा खासा बड़ा है। और फूड का पता लग जाए ना तो फिर नहीं छोड़ता। जी 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 पीछे रखो, स्टेक नहीं दिखाओ। डरेगा वो? हाँ डरेगा तो नहीं, उसको पता नहीं लगता, उसको नज़र नहीं आता, लेकिन खाना इसको इसी तरीके से खिलाना पड़ता। शाबाश गुड बॉय। ये जी अभी अभी खत्म कर लेगा। ये जी दोस्तों सारा फूड जो है ना इसने फिनिश कर लिया, अब ये बाहर निकल आया। इसके साथ अब आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग बनाएंगे ताकि इसको हाथों की स्मेल आने लग जाए सही। और ये जो है ना वो बादशाह जो है ना फिर सुनने सुनने लग जाएगा कोई। आ जा फिरने दे, फिरने दे। दो एक दाने रह गए वो भी ख़त्म कर ले। ये हसन साहब लगे हैं उसके साथ खेलने। चलो अब हटा लो बर्तन, हटा ले हटा ले हटा ले। नहीं भागता वो, ये देखो इधर इधर इधर। इसकी आंख कितनी मोटी है, इसकी आंख खराब है ना हसन। ये जी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये देखें, इसको पता लगने लग गया अब आज से तो कहाँ जाना है। ये देखो ये देखो मिशन है जी ये हमारा, इसको फुल सेट करना। वो छोटे वाले वो जी दोनों माँ से देख रही है इसको कि इसको हमने बाहर निकाला हुआ है। इसके लिए ना एक आधी वो चीज़ कोई ऐसी रख लेंगे ना वो छन छन टाइप का। ये देखा खेलने लग गया सही। फिर ज़्यादा सेंस करना लग जाएगा इसकी ट्रेनिंग करते हैं पूरी, वो जैसे वो छन छन वाला सिस्टम करते हैं ना वो इसको आवाज़ पे लगाते हैं उसकी ताकि ये बिल्कुल जो है ना वो यस हो जाए। चल जी जहांगीर उठा लें इसे बिल्कुल, ये देखो पीछे पीछे जा रहा है अब। इसकी ये है कि स्मेल जो है ना वो तेज़ होगी अच्छी खासी, उस तरह नहीं होगी कि जिस तरह उनसे ज़्यादा सेंस होगी इसकी। बाकी अब देखते हैं क्या बनता है जी, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह इसको वैक्सीन भी करेंगे ताकि इसको जो मसले मसाले में कोई भी ना बने आप। आगे डॉग फूड का पता लग गया उसको भाई, स्मेल आ गई उसको डॉग फूड की। चल जाएंगी पकड़ ले इसको, सर्दी लग जाएगी हसन। और ये इस ये उनसे हैवी है अच्छा खासा। हाँ ये जी अब इसको हम केज में करने लगे इसके जी दोस्तों। जारी पर हमने बाहर निकाल लिया
और निकालते ही तमाशा हो गया शुरू। चलो जी, इसको भी हमने बांध के रखा है, अभी हम इसको खोलेंगे। जहांगीर ये दोनों दरवाजे भी बंद कर, इसके कमरे का दरवाजा भी बंद कर, फिर इसको खोलते हैं। जरी इसका ध्यान रखिए कहीं। जेरी सब बंद है ना, खोल दे अब दरवाजे, बंद है वो भी और वो वाला, ये वाले पे बस, ये खोल दे अब, खोल दे, खोल दे जरा इसको भी ना, थोड़ा एंजॉयमेंट करने दे। ये जी खोल दी है हमने जेरी, जेरी मैडम को खोल दिया है। ये जी दोस्तों, ये इसके यहाँ पे ये बन जाते हैं चांडियाँ कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं इसको। इसका इलाज जो है ना वो नारियल का तेल है, और ये हम इसके ऊपर नारियल की तेल की पूरी लेयर लगा रहे हैं, जमा हुआ तेल है ये। एक मिनट वेट करें। ये जी दोनों साइडों पे इसके बनी हुई हैं, और ये हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से ये जमा हुआ नारियल का तेल लगाएंगे, तो इंशाल्लाह दो चार दिनों के अंदर अंदर ही इसके ऊपर बाल आने लग जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगी। ये हम आपको अभी हफ्ते में चेक कराएंगे कि इस नारियल के तेल का कितना फ़ायदा है इस मामले में। इस साइड की तो देखें और भी बड़ी है उससे भी, ये जो पक्के फर्श की वजह से यहाँ बन जाती है, आप यहाँ पे भी लगाएंगे तो यहाँ पे भी बाल आ जाएंगे, और इसी तरह जहाँ पीछे पीछे होंगी वहाँ पे भी बाल आ जाएंगे। ये जी दोस्तों, इस शैतान को ऊपर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जब से ये नीचे था ये हमें वीडियो नहीं बनाने दे रहा सही तरीके से। ये जोन सा कुत्ता खुला छोड़ो उसके पीछे अजाब डाल देता, इसलिए हमने कहा इसको ऊपर धूप में बांधते हैं। जरा आप किसको निकालें हसन? बसंती को। हसन बसंती आ गई। बसंती की कितनी स्पीड है। पकड़ लो हसन, पकड़ लो जबरदस्ती इसको, पकड़ लो, काबू कंट्रोल कर। क्या ठहर जाओ, किधर जा रही हो तुम? ये जी हसन साहब जो है ना बसंती पकड़ने में कामयाब हो गए, अभी तक छोड़ नहीं रहे हसन, और छुड़वा ली उसने। और क्या कर रही है? ये जी चल हसन पकड़ ले, पकड़ ले जोर से। ये जी हसन साहब जो है ना इसको पकड़ने में नाकाम चल रहे हैं। ये जी हसन साहब ने पकड़ लिया। नहीं पकड़ी जा रही हसन, तो हसन फिर आ गया, पकड़ो उसे। बस 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 इधर आ, बस बस बस। क्या हो गया? मेरे ऊपर चढ़ रही है। शाबाश, डंडा नहीं पकड़ना,
पकड़ ले गले से, गले से पकड़ ले। ये जी दोस्तों, हमने लीज़ा को बाहर निकाल लिया। लीज़ा जो है हमारी वो आ भी गई है हीट पे। इंशाल्लाह अब इसको हमने मेट कराना है। अभी तो स्टार्ट है, अभी पता लगेगा कितने दिनों में जो है ना वो रेडी होती है फीमेल। बाकी ये है कि फीमेल जो है ना वो अब पहले से बहुत बेहतर हो चुकी हुई है। इसकी सिर्फ इस टांग में इशू है, और वो इस साइड वाली टांग में, ये वाली टांग में। ये टांग इंशाल्लाह इसकी आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर कह रहा है कि ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको इसमें इशू है, वो क्लियर नहीं हो रहा। बाकी आने का बाहर निकाल कर आप लोगों को दिखा दें कि बाकी जो इसका शाइन माइन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। आपके सामने रुली भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो रही है, तो कोई ना कोई काम हमारा बन ही जाएगा। बस चेक करते हैं, आपने भी बताना है जी कि किस से मेट करानी चाहिए। चेतन है हमारे पास, एक चेतन का भाई है, बम्बू नाम है उसका, वो है बॉक्सर है, बॉक्सर तो चला गया, बॉक्सर नहीं अवेलेबल। मस्तू है और वो अवेलेबल है भालू। तो आप ये जी मस्तू हमने बाहर निकाल ली है, ये देखें जी। अब आपको नज़र आ रहा होगा जब ये मेल को देखती है ना, फिर पता लगता है इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है और क्या कमाल की फीमेल है। बस ये रखने उन्हें तबाह कर दी है, वरना तो ऐसी फीमेल मिलती नहीं है। हमारी भी गलती है जी। लीज़ा ये जी मस्तू साहब को निकाला है। मस्तू साहब ने अपनी दूध जख्मी कर ली भी है। मस्तू जो है दिन ब दिन कमाल का बड़ा होता जा रहा है, साइज साइज बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसकी दुम के ऊपर कोई चीज़ भी लगा यार, वहाँ से आप ब्लॉक हटा दे उतनी देर में, जहाँ जहाँ इसकी दुम लगने का खतरा है ना वो चीज़ें सेट कर। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।